भाई बच्चों आज नीट 2013 का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। आई स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। स्टोन फॉल कर रहा है फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन जो आप लोगे कितना लोगे, माइनस जी। और फ्री फॉल कर रहा है तो बॉडी इनिशियली क्या रही होगी, रेस्ट पे रही होगी, ठीक। आगे पढ़ते हैं। इट कवर अ डिस्टेंस एच वन एच टू एंड एच थ्री इन द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन एच वन एच टू एंड एच थ्री, ठीक है। आइए देखते हैं बॉल क्या हो रही है या स्टोन जो भी है, ठीक है। पहली एच वन हाइट कितने सेकंड में कवर कर रही है, 5 सेकंड में, ठीक है। बॉल यहाँ आ गई। अगली एच टू हाइट कितने सेकंड में कवर कर रही है, अगले 5 सेकंड में कवर कर रही है, 5 सेकंड में, ठीक है। बॉल यहाँ आ गई। अगला 5 सेकंड कितने में कवर कर रही है, अगला जो हाइट है वो 5 सेकंड में कर रही है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, दिख रहा है कि एक तरीके से मैं देखूँ तो ये पहला 5 सेकंड होगा, ये दूसरा 5 सेकंड होगा, या तीसरा 5 सेकंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं इस यहाँ पे एन टर्म वाला फार्मूला अगर लगाऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखते हैं एन टर्म का फार्मूला क्या होता है। यू इज इक्वल टू ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। अब देखता हूँ एस इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो बॉल अगर नीचे आ रही है तो हाइट आपकी एक तरीके से कम हो रही है, तो आप जो डिस्प्लेसमेंट लोगे वो माइनस लोगे। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, जीरो हो जाएगा, और जो ग्रेविटी आपकी लगेगी माइनस जी लगेगी बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। माइनस से माइनस कर गया तो अगर देखें तो एस इज इक्वल टू कितना, जी की वैल्यू 10 रख देंगे तो 10 बाई टू टू एन माइनस वन। तो एक तरीके से आपको जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 5 टू एन माइनस वन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे रख के हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब दिख रहा है हमें पहला सेकंड, एक तरीके से पहला 5 सेकंड मतलब पहला सेकंड अगर मैं देखूंगा तो h1 हाइट, ठीक है, 5। पहला सेकंड मतलब n की वैल्यू 1 रख दिया मैंने, तो एक तरीके से आंसर देखिए तो यहाँ से 2 बन जा वन आएगा, 5 आ जाएगा, 5 मीटर। अगर इस तरीके मैं दूसरा सेकेंड निकालूंगा, या दूसरा 5वां सेकेंड है तो दूसरा की बात अगर मैं करता हूँ तो n की वैल्यू 2 रख दूंगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 3 मिलेगा, कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। फिर मैं तीसरा निकालूंगा, तीसरी हाइट को निकालूंगा तो ये तीसरा 5 सेकंड है, तो एक तरीके से n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये मेरा आंसर आ गया एक तरीके से। अब मैं ऑप्शन मैच कर रहा हूँ, मैं तीसरा ऑप्शन अगर देखूँ तो दिखा हुआ है h1 इज इक्वल टू h2 बाई 3 और h3 बाई 5। मैं h1 की वैल्यू रखता हूँ 5 हो गई, h2 की वैल्यू रखता हूँ 15 अपॉन 3, h3 की वैल्यू रखता हूँ 25 अपॉन 5। अगर मैं देखूँ तो सारी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही, इसका मतलब ये हो गया कि सी आंसर आपका सही। अगर देखें तो बहुत बेसिक कंसेप्ट लगा कि मैंने मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा।